भी हरिद्वार में सर्दियों का मौसम आते ही चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। एक ओर जहां मौसम की मार लोगों पर भारी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर चोर भी दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के थाना कनखल अंतर्गत कृष्णा नगर क्षेत्र का है, जहां चोरों ने आधी रात को दूध की डेयरी के पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर गले में रखे लगभग 90,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। गौरतलब है कि चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए। दुकानदार के अनुसार शाम को आई पेमेंट और रोजाना की दुकानदारी का सारा पैसा गले में रखा करते थे, जिसे चोर ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सीओ कनखल ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जाएगी। भाई ये पेमेंट आई थी शाम के समय 54,000 रुपये एक आए थे, 20,000 एक आए थे, बाकी गल्ले के थे। ये 1,00,000 रुपये के करीब थे भाई जी मेरे। तो रात को ही कहना अपना पीछे से आए, पीछे का ताला तोड़कर अपना कर गए काम। 1,00,000 रुपये के करीब हुआ। और भी कुछ ले गए सामान? ना, और कुछ नहीं ले गए, बस गल्ला गल्ला तोड़ा। ये लगभग आपकी आज सुबह 3:40 की खबर है। इसमें यहाँ पे जो शिव डेयरी, जो आपकी डेयरी है, इसमें चोरी हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें इनके पास लगभग 90,000 के करीब कैश था, और सीसीटीवी जो पुलिस है वो आपका सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है, उसमें आए भी हैं कुछ व्यक्ति, तो उस पर अब काम किया जाएगा।